आज हम लोग बाल विकास के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक या हम यूँ कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो टॉपिक पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसे हम कहते हैं बुद्धि। बुद्धि अर्थात इंटेलिजेंस। तो ये बुद्धि क्या होती है और इसकी क्या परिभाषा है, बेसिकली आज की कक्षा में हम ये देखेंगे। और इस टॉपिक को लेकर के सीरीज ऑफ वीडियोस जो है वो आपके बनेंगे, और इसी टॉपिक पे आगे जो है मैं कई सारे वीडियो इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करते हुए बनाऊंगी। तो आप इन वीडियोस को रेगुलरली जो है वो देखते रहिएगा, ताकि आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो सके। हम बात कर रहे हैं बुद्धि अर्थात इंटेलिजेंस की। तो जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर किसी भी तरीके से अकेडमिक परीक्षा में, यानी कि अकेडमिक एग्जामिनेशन में, अगर कहीं पे भी बाल विकास या फिर बाल मनोविज्ञान, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, बाल विकास या फिर बाल मनोविज्ञान, बाल विकास जिसे हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर बाल मनोविज्ञान, जैसे हम कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। जहां पे भी आपके ये दोनों तथ्य जो है वो किसी भी एग्जाम में आते हैं, या ये दोनों टॉपिक किसी भी एग्जाम में आते हैं, वहां पे ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही यूजफुल होगा। क्योंकि बाल विकास की जब भी हम बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी की भी जब हम बात करते हैं, तो जो हमारे बात का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कहीं ना कहीं बालक के स्टार्टिंग से, यानी कि आरंभिक अवस्था से जो है हम लोग जोड़ते हैं। जब हम आरंभिक अवस्था की बात करते हैं, जो सर्वप्रथम अवस्था होती है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्वप्रथम अवस्था या बालक की प्रारंभिक अवस्थाओं के विषय में जब हम जाते हैं, तो हम उसको भ्रूणावस्था से लेते हैं। इसलिए हमें पूरी तरीके से जो है एकदम आरंभिक अवस्था से लेकर के और किशोरावस्था तक जो बुद्धि का विकास है, इसको हम लोग जो है जानने का प्रयास करेंगे। आपके कोर्स में बुद्धि जो है वो आपका जो बालक का बौद्धिक विकास होता है, विभिन्न प्रकार के विकासों को आप अध्ययन में ले रहे होंगे या हम लोग लेते हैं अपने कोर्स के अंदर, उसमें जो बौद्धिक विकास आता है, उस बौद्धिक विकास के अंतर्गत जो है हम इस इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे, अर्थात बुद्धि को पढ़ेंगे। तो बुद्धि का, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, कि हम लोग पढ़ने वाले हैं बुद्धि अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या है और उसकी डेफिनेशंस क्या है। तो जब हम इसके मीनिंग को जानने का प्रयास करते हैं या इसके डेफिनेशन में जाने का प्रयास करते हैं, तो हमें ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, व्यक्ति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, व्यक्ति के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार के रूप में, एक शस्त्र के रूप में जो है वो बुद्धि काम करता है। वो ऐसा शस्त्र होता है या व्यक्ति का ऐसा हथियार होता है जिससे किसी को बिना शारीरिक चोट के हम क्या कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विजय हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? विजय हम बुद्धि के प्रयोग से प्राप्त कर सकते हैं। हम किसी का दिल जीत सकते हैं, ये हमारी बुद्धि का प्रयोग होगा। हम किसी से बहुत ही विनम्रता पूर्वक बात करते हैं, ये हमारी बुद्धि का प्रयोग है। हम अपने ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं, ये भी हमारी बुद्धि का प्रयोग है। हम विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक परिवेशों में निवास करते हैं, उस संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं, अगेन ये भी हमारी बुद्धि का परिचय देता है। विभिन्न प्रकार के करिकुलम में, वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे, हमारे राष्ट्रीय स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे,
मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे, विभिन्न स्तरों पर हम क्या करते हैं, अपने एक व्यवहार का परिचय देते हैं, अपने क्रियाकलापों का परिचय देते हैं और अपने जो है विचारों का परिचय देते हैं। ये जो हम अपना परिचय देते हैं, ये क्या है? ये हमारा इंटेलिजेंस ही तो है, ये हमारी बुद्धि ही तो है। तो मानव के एक बहुत ही बेहतरीन हथियार के रूप में जो है वो बुद्धि क्या होती है, कारगर होती है, और ये उसके साथ ही होती है। बुद्धि को समझने के लिए उसकी परिभाषाओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। जब भी हम परिभाषाओं की बात करेंगे, देखिए बाल मनोविज्ञान और बाल विकास, ये दोनों ही जो हमारे पार्ट हैं, हमारे एकेडमिक करिकुलम का जो भाग है, इन दोनों भागों में हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते। किसको अनदेखा नहीं कर सकते? विभिन्न प्रकार के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों को। मैंने विभिन्न प्रकार क्यों बोला? क्योंकि एक जगह से नहीं है सभी मनोवैज्ञानिक, एक सदी के नहीं है सभी मनोवैज्ञानिक जिनको भी हम पढ़ रहे हैं, एक स्थान से भी नहीं है। तो इस वजह से अलग-अलग स्थानों से बिलोंग करके अलग-अलग सदियों में उन्होंने जो है क्या किया है, अलग-अलग इनफैक्ट दशकों में विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक जो है वो क्रियाशील रहे हुए हैं, अपने नित नए नए प्रयोगों को उन्होंने किया है, और उसके बाद जो है प्रयोगों के आधार पर उन्होंने एक-एक तथ्य के लिए जो है कुछ परिभाषाएं दी हैं। तो हम उन मनोवैज्ञानिकों को कभी इन सब तथ्यों के भीतर भूल नहीं सकते, ना ही हम उनको पीछे रख सकते हैं। तो इसलिए जो परिभाषाएं हम लेंगे, सबसे पहले हम मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं लेते हैं कि उन्होंने बुद्धि के विषय में या बुद्धि के लिए क्या कहा है। उसके बाद एक साधारण परिभाषा क्या बन सकती है आम जन के लिए, या मेरे या आपके द्वारा वक्तव्यों के माध्यम से क्या हो सकता है, ये हम बाद में लेंगे। तो परिभाषाओं में अगर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहली परिभाषा जो है मैं लेना चाहूंगी मैकडूगल की। मैकडूगल की परिभाषा को मैं क्यों लेना चाहती हूँ? क्योंकि जो उनकी परिभाषा है बुद्धि के लिए बिल्कुल साधारण है और बिल्कुल समझने योग्य है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज जो है वो मैं लेकर के चलती हूँ। जो सबसे पहली परिभाषा है वो हम लेंगे, मैकडूगल के अनुसार जहां पर प्रकृति अपनी मूल प्रवृत्तियों के द्वारा वातावरण की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ होती है वहां पर बुद्धि तत्व का उदय होता है। वहां पर बुद्धि तत्व का उदय होता है। देखिए मैकडूगल के अनुसार बहुत ही साधारण डेफिनेशन इन्होंने दिया है बुद्धि के लिए। जहां पर प्रकृति अपनी मूल प्रवृत्तियों के द्वारा वातावरण की समस्याओं को
यानी कि जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, वो नेचर जो बिल्कुल अपने बेसिक स्तर पर जा करके जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट की जो समस्याएं हैं, हमारे वातावरण की जो समस्याएं हैं, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उनकी जो समस्याएं हैं, जब वहां पे प्रकृति जो है समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ हो जाती है, तो उस स्थान पे क्या होता है, ये बुद्धि तत्व जो है वो विकसित होता है, यानी कि इंटेलिजेंस एलिमेंट्स जो है वो यहाँ से क्या होते हैं, पैदा होते हैं, जनरेट होते हैं या फिर ओरिजिनेट होते हैं। तो जहां पर भी प्रकृति जो है अपने वातावरणीय स्थिति में जो उसके मूल तत्व हैं, जब उनसे समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती है, ऐसी स्थिति में जो तत्व या जो एलिमेंट जो है वो उपजता है या क्रियाशील होता है या अपनी जगह बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बुद्धि तत्व कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा किसके द्वारा है, मैकडूगल के द्वारा। आइए हम दूसरी परिभाषा को लेते हैं, दूसरा स्टोडर्ड के द्वारा। बुद्धि उन कार्यों को करने की योग्यता होती है जिसमें कठिनाई जटिलता अमूर्तता सामाजिक मूल्य मितव्ययता अनुकूलता तथा लक्ष्य प्राप्ति की चेष्टा को लेकर अनुकूलतम परिवेश निर्धारित किए जाते हैं। स्टोडर्ट के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि उन कार्यों को करने की योग्यता है, यानी कि ये जो बुद्धि है ये उन कार्यों को करने के लिए एक पैरामीटर है, एक योग्यता है। क्या है? जिसमें कठिनाई, ठीक है, जिसमें क्या होती है, कठिनाई होती है, जिस कार्य को करने में जटिलता होती है, जो अमूर्त रूप से हमारे सामने है, जिसमें कुछ सामाजिक मूल्य निहित हैं, जिसमें कुछ मितव्ययिता होती है, अर्थात हम कुछ उससे सीख सके, कुछ बचा सके, जिसमें कुछ अनुकूलता होती है, और लक्ष्य प्राप्ति की चेष्टा को लेकर के क्या होता है, अनुकूलतम परिवेश निर्धारित होता है। तो ये जो कार्य हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, इन कार्यों को करने की योग्यता किसमें होती है, या इन कार्यों को हम किसके द्वारा कर सकते हैं? हम इन कार्यों को बुद्धि के द्वारा जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो बुद्धि है, इन कार्यों को बेसिकली करने की क्या होती है, एक योग्यता होती है। इस योग्यता के अनुसार आपकी बुद्धि का परीक्षण किया जाता है कि आप कितने अनुकूल हैं उस वातावरण के प्रति,
आप कितने मितव्ययी हैं उस कार्य के प्रति, आप कितने योग्य हैं, आप कितने जटिल हैं उस कार्य के प्रति, आप किन कठिनाइयों को किन रूपों में सॉल्व करते हैं या किस तरीके से उसका निस्तारण करते हैं। अमूर्तता जिस कार्य की है उस कार्य को अमूर्त रूप में होते हुए भी, यानी कि आपके सामने उसका किसी भी तरीके का रूप नहीं है, रंग नहीं है, कोई दृश्यगत, मैं ये कहूँ कि दृश्यगत भी नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर कोई इस तरह की समस्या आती है, कोई इस तरह का कार्य आप करते हैं, तो उस कार्य को करने का जो आपका एक वातावरण होता है या एक आपकी अनुकूलतम जो परिस्थिति बनती है उसको हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी स्टोडर्ड के अनुसार। आइए तीसरी डेफिनेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। टर्मन के अनुसार जो व्यक्ति जितना अधिक सोच विचार कर सकता है वह उतनी ही अधिक बुद्धि रखता है। ठीक है, टर्मन के अनुसार जो व्यक्ति जितना अधिक सोच विचार कर सकता है, उसके सोचने विचारने का दायरा जितना अधिक है, जिस लेवल तक वो सोच सकता है वो उतनी ही अधिक क्या करता है, बुद्धि को रखता है, उसकी बुद्धि को उतनी ही अधिक जानी जाती है जहां तक वो क्या करता है, सोचता है या विचारता है। मान लीजिए कोई पॉइंट है, किसी पॉइंट को लेकर के या किसी तथ्य को लेकर के, किसी भी तथ्य को लेकर के, जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल में हम वही एग्जाम्पल लेते हैं, एक ग्लास है जिसमें हमने आधा पानी भर दिया। अब उस एग्जाम्पल के अनुसार जब उस आधे ग्लास के पानी को हम तीन लोगों को दिखाते हैं, यानी कि हमने तीन लोगों को जो है वो आधे ग्लास के पानी को जो है वो शो किया। पहले ने कहा ग्लास आधी भरी है, दूसरे ने कहा ग्लास आधी खाली है। ठीक है, ये एक साधारण सा जो है एक इंप्रेशन है, एक साधारण सी विचारधारा है जो आपकी भी हो सकती है, जो मेरी भी हो सकती है, यानी कि हम लोग जो है इस तरीके से सोच सकते हैं। लेकिन हमने कहा है कि जो व्यक्ति जितना अधिक सोच विचार कर सकता है वो उतनी अधिक बुद्धि रखता है। अब एक जो तीसरा व्यक्ति है इसी ग्लास को देख करके अपनी विचारधारा देता है, ग्लास में आधा पानी है, देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करें। ठीक है, एक तीसरे व्यक्ति ने अपना विचार रखा, उसने अपनी बुद्धि का परिचय दिया, उसको भी दिखा कि ग्लास तो आधी खाली है, यानी कि पानी उसमें आधा ही है, जो ऑलरेडी मैंने भी दिया, जो ऑलरेडी आपने भी दिया, हम दोनों ने मिलके यही तो तर्क दिया था। आप कह रहे हैं कि खाली है, मैंने कहा आधा भरा है, हम दोनों का जो
कहने का तात्पर्य था या जो मीनिंग था वो यही तो था, लेकिन एक जो तीसरा व्यक्ति है वो क्या कह रहा है कि ग्लास में आधा पानी है, लेकिन अब देखना यह है कि इस पानी का हम सदुपयोग कैसे करें। यानी कि हमारी बुद्धि तो वहीं पे अटकी रह गई कि खाली और भरा हुआ है, लेकिन अगला ये सोच रहा है कि हम उसका सदुपयोग कैसे करें। या कोई चौथा व्यक्ति भी आ सकता है, वहां पे शामिल हो सकता है, उसका नजरिया भी जो है एक चौथे तरीके का हो सकता है, वो ये सोच सकता है। तीसरा ये सोच रहा है कि हम इसका प्रयोग करें कैसे करें। चौथा ये सोचेगा कि आधा है, इसमें किस तरीके से हम क्या करें कि ये पूरी की पूरी भर जाए। तो ये क्या होता है, अलग अलग जो है वो लोगों का विचार प्रदर्शन करने का तरीका होता है, लोगों की अपनी अलग अलग सोच होती है, जिसके हिसाब से टर्मन ये कहते हैं कि जिसकी सोचने विचारने की शक्ति जितनी अधिक होती है उसमें जो है वो बुद्धि उतनी ही ज्यादा होती है। तो ये हमारी तीसरी डेफिनेशन थी। चौथे डेफिनेशन पे आते हैं। कोलहर के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जिसके सहारे सूझ, जिसे हम कहते हैं सही विचार, आ जाती है। बिल्कुल साधारण और सटीक डेफिनेशन है कोलहर का। बुद्धि वह शक्ति है, बुद्धि को एक शक्ति के रूप में ये मानते हैं, जिसके आ जाने से या फिर जिसका सहारा लेकर के एक व्यक्ति क्या बनता है, सूझ वाला व्यक्ति, यानी कि सही विचारधारा वाला व्यक्ति जो है वो बनता है। ठीक है, तो बुद्धि जिसके अंदर आ जाती है वह व्यक्ति एक शक्ति के प्रयोग के अनुसार, यानी बुद्धि को एक शक्ति के रूप में प्रयोग करता है, जिससे उसके अंदर सूझ समझ या विचार आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए पांचवा। वुडवर्थ के अनुसार किसी भी कार्य को अकलमंदी से करना समझदारी से करना तथा विवेक से करना ही बुद्धि कहलाता है। वुडवर्थ क्या कह रहे हैं, किसी भी कार्य को अकलमंदी से करना, यानी कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए, समझदारी से करना यानी कि आप अपनी समझ का प्रयोग कर रहे हैं उसको करने के लिए, और विवेक से करना यानी कि आप अपने विवेक का परिचय दे रहे हैं इनसे, अगर आप अपने इनकी सहायता से अगर अपने किसी भी कार्य को पूर्ण करते हैं, करने में सक्षम होते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम बुद्धि कहते हैं। ठीक है, ये किसके अनुसार है, वुडवर्थ के अनुसार। नेक्स्ट आते हैं हम छठवां। बर्ट के अनुसार, बर्ट के
अनुसार। बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता होती है। बर्ट के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में, किसी भी नई परिस्थिति में, किसी भी नए वातावरण में, किसी भी न्यू एनवायरनमेंट में जब अभियोजित होती है, यानी कि हम किसी भी नए वातावरण के साथ, किसी नए परिस्थिति के साथ जो है क्रिया करते हैं, या उसके क्रियाशीलता में अपने आप को जो है वो ढालने का प्रयास करते हैं, या उन परिस्थितियों में किसी भी तरीके से किसी कार्य में सफलता की ओर अपने आप को दृष्टिगत करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारी अपनी योग्यता होती है वो क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। अब ये जो योग्यता है वो योग्यता तुरंत के तुरंत पनप के नहीं आती है, वो योग्यता हमारी क्या होती है? जन्मजात योग्यता होती है, जो हमारे जन्म के साथ ही हमारे पास जो है वो मौजूद है। बस ये है कि हम जो हमारी विभिन्न परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में जब हम अभियोजित कार्यक्रमों से जो है वो गुजरते हैं, या ऐसे वातावरणों से जो है अपनी क्रिया करते हैं, तो वहां पे उस क्रिया के दौरान जो सहायक तत्व हमारे पास उपलब्ध होते हैं, जो कि जन्मजात रूप से हमारे पास हैं, जब वो उजागर होते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? हम उसे बुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सातवां। टर्मन के अनुसार, टर्मन के अनुसार अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। बहुत ही साधारण सा डेफिनेशन इनका भी है। अमूर्त वस्तु, अमूर्त से तात्पर्य क्या है? जिसका कोई रूप नहीं है, ठीक है, जिसका किसी भी तरीके का रूप नहीं है। जब ऐसे वस्तुओं के विषय में क्या करते हैं हम? सोचते हैं, तो वो जो सोचने की योग्यता होती है, उस सोच की जो एलिजिबिलिटी होती है, जो दायरा होता है, जो क्राइटेरिया होता है, जो उस सोच का एनवायरमेंट होता है, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? बुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट आइए आठवां। बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, ठीक है। अब तक की सबसे सटीक परिभाषा, या अगर देखें तो सही मायने में सबसे बेस्ट परिभाषा जो है वो बकिंघम की है। बिल्कुल एक लाइन में डिफाइन किया इन्होंने, इतना शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन इन्होंने दिया है। जो सीखता है मनुष्य, जो सीखता है
उसके जो सीखने की जो शक्ति होती है, यानी कि जो भी क्रियाकलाप वो करता है दिन प्रतिदिन, वो कुछ न कुछ नया सीखता ही रहता है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, सीखने का किसी उम्र से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। व्यक्ति अपने उम्र के पड़ाव पर, हर एक पड़ाव पर कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो जो सीखने की शक्ति होती है, इसी को क्या कहते हैं हम, बुद्धि या इंटेलिजेंट कहते हैं। किसके अनुसार? बकिंघम के अनुसार। नेक्स्ट आइए नौवां। गाल्टन के अनुसार, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। ऊपर जो है बकिंघम ने क्या कहा था, सीखने की शक्ति बुद्धि है, लेकिन गाल्टन जी के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि पहचानने तथा सीखने, यहाँ पे कॉमा आएगा, जो हम किसी चीज को पहचानते हैं, पहचान करके जो हमारे लिए उपयोगी होता है, या जो हमारे लिए काम का होता है, या जिनसे हम कुछ सबक ले सकें, ऐसी चीजें क्या होती हैं? ये पहचानी हुई, पहचानने योग्य होती हैं। तो पहचान करके जो हम लोग सीख लेते हैं, पहचानना तथा सीखना जो होता है, ये क्या कहलाता है? ये जो इसकी जो शक्ति होती है, ये क्या कहलाती है? ये बुद्धि कहलाती है, जिसमें हम पहचान करके कुछ सीख रहे हैं, यानी कि हम जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं उस सीख को, कि ये सीख हमारे लिए भली भांति है, नहीं है, सही है, नहीं है, इसका दृष्टिकोण सकारात्मक है, किसी के लिए लाभदायक है या नहीं है, यानी कि ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो ले करके जब हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। किसके अनुसार? गाल्टन के अनुसार। नेक्स्ट, क्रूज के अनुसार, बुद्धि नवीन तथा भिन्न परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता होती है। क्रूज ने क्या कहा? बुद्धि नवीन तथा भिन्न परिस्थितियों में, यानी कि किसी भी नई और बिल्कुल भिन्न, भिन्न से तात्पर्य बिल्कुल अलग परिस्थिति, जिसमें आप इंटरैक्ट नहीं हुए हो पहले, या आपके लिए बिल्कुल वो नवीनतम हो, तो नवीन और भिन्न परिस्थितियों में जब समुचित रूप से क्या होता है? समायोजन किया जाता है। जब हम बिल्कुल भिन्न परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करते हैं, यानी कि उनके साथ तारतम्यता बनाते हैं, और वहां पर अपने क्रियाकलाप को क्या करते हैं? अग्रसित करते हैं। तो वो जो योग्यता होती है, उस योग्यता को हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। तो बिल्कुल सटीक डेफिनेशन और सही डेफिनेशन है क्रूज के अनुसार, नवीन तथा भिन्न परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की जो योग्यता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? बुद्धि या इंटेलिजेंस कहते हैं। नेक्स्ट आइए ग्यारहवां, वेसलर के अनुसार,
व्यक्ति द्वारा किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने, तर्क करने तथा चिंतन करके अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य एवं अभियोजन का सार्वभौम ही बुद्धि कहलाता है। काफी बड़ी डेफिनेशन है। वेस्लर के अनुसार व्यक्ति द्वारा किसी उद्देश्य की पूर्ति, ठीक है, कोई उद्देश्य यानी कि कोई ऑब्जेक्टिव हमने पहले से डिफाइन कर रखा है, हम उसको पूरा करने के लिए, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है जो प्री डिफाइंड है, यानी कि उद्देश्य हमारा पहले से निर्धारित है, उसको पूरा करने के लिए कार्य करने, तर्क करने और चिंतन करने, इन तीनों को जो है हम क्या करेंगे, समाहित करेंगे। देखिए, कार्य, तर्क और चिंतन, इनको करने के लिए अपने पर्यावरण के साथ ये दो चीजें और है, सामंजस्य और अभियोजन, यानी कि उनके साथ जो है तारतम्यता जो बिठा करके जो सार्वभौम कार्य जो है हम लोग कर रहे हैं, यानी कि सभी को दृष्टिगत है, सत्यापित है, सभी उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं और हम भी उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, हम भी उसके लिए आंसरेबल हैं, हम उत्तरदायित्वों के रूप में उसको लेकर के चल रहे हैं। ये क्या है, सार्वभौम से तात्पर्य क्या है, जो कोई भी कर सकता है, जिसका आंसर कोई भी दे सकता है, जिसको किसी भी तरीके के उत्तरदायित्वों में लिया जा सकता है, इस तरीके के जो कार्य होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, व्यक्ति के द्वारा किसी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने, तर्क करने और चिंतन करने करके अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य और अभियोजन करने का जो सार्वभौम तत्व होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। ये परिभाषा है वेस्लर के अनुसार। नेक्स्ट आते हैं हिलगर्ट के अनुसार, बुद्धि वह है जिसको बुद्धि परीक्षण मापते हैं। बुद्धि वह है जिसको बुद्धि परीक्षण मापते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी तक जो हमने डेफिनेशंस देखे बुद्धि से रिलेटेड यानी कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड, वो सभी डेफिनेशंस बिल्कुल सीधे सीते थे, यानी कि एक सकारात्मक परिभाषा की तरफ ले जा रहे थे। बट जो डेफिनेशन हिलगर्ट ने दिया है, इनकी डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे निराधार है, कोई आधार ही नहीं है। बुद्धि वह है जिसको बुद्धि परीक्षण में मापते हैं, तो ये कोई डेफिनेशन नहीं हुआ, ये
लोगों का कहना है, विभिन्न प्रकार के जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, जो दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं उनका कहना है, या विभिन्न प्रकार के शिक्षा शास्त्री हैं ये उनका कहना है। उनका ये मानना है कि बुद्धि वह है जिसको बुद्धि परीक्षण में मानते हैं। ये कैसा डेफिनेशन है? तो बेसिकली डेफिनेशन का क्राइटेरिया यहीं से शुरू होता है। उनका कहना ये है कि बुद्धि ही वह विशेष क्रिया है जिसको हम क्या करते हैं, बुद्धि परीक्षण के द्वारा जो है वो मापते हैं। अगेन जब हम इसमें आगे जाते हैं, बुद्धि परीक्षण की जब हम बात करते हैं, जब हम बुद्धि परीक्षण के तरीकों में जाते हैं, जब हम बुद्धि परीक्षण के प्रकारों में जाते हैं, तो फिर जब पूरा अध्ययन हम कंप्लीट करते हैं, तो उस कंप्लीट अध्ययन के बाद जो है ये सार हमारे पास जो है वो आता है। क्या आता है? कि बुद्धि वह है जिसको बुद्धि परीक्षण में मापा जाता है। ये डेफिनेशन एक्चुअली क्यों खास है, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी। इसके साथ एक तथ्य है, आप इसको नोट डाउन भी कर लेंगे। ये जो डेफिनेशन है ये हिलगर्ट के द्वारा उनकी अपनी ही पुस्तक इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में दिया गया था। उनकी अपनी ही पुस्तक है ये, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, उसके अंदर ही इन्होंने इस डेफिनेशन को दिया था। और देने के बाद उन्होंने जितनी भी बुद्धि परीक्षण की क्रियाएं हैं उन सबके बारे में बहुत अच्छे से बखूबी समझाया है। और समझाने के बाद जो है इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये जितना भी हमने परीक्षण किया है, जितना भी मापा है, ये सब बुद्धि ही तो है और क्या है। ये जितनी भी डेफिनेशंस अभी हम लोगों ने देखी, ये सभी विभिन्न जो है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रदत्त हैं। अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग-अलग तरीके से जो है अलग-अलग शब्दों का प्रयोग करके बुद्धि को परिभाषित किया। लेकिन अगर हम इन सब का निचोड़ निकालने का प्रयास करें, अगर हम इन सबको समझने का प्रयास करें, तो लगभग लगभग बुद्धि को लोगों ने एक तरीके से ही सामंजस्य में बिठा रखा है। लगभग लगभग परिभाषाएं एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं। थोड़े थोड़े माइनर से डिफरेंसेस हैं, उनको हमें ध्यान में रखना होगा। एक क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं परिभाषाओं का। मैकडूगल के अनुसार, जहां पर प्रकृति अपनी मूल प्रवृत्तियों के द्वारा वातावरण की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ होती है, वहां पर बुद्धि तत्व का क्या होता है, उदय होता है। तो बुद्धि का आरंभ जो है एक तरीके से अगर हम लोग देखने का प्रयास करें और मैकडूगल को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, तो उनके अनुसार जो है वो बुद्धि तत्व का विकास जहां से होता है वही क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। सेकंड अगर हम लोग आते हैं, स्टोडर्ड के अनुसार बुद्धि उन कार्यों को करने की योग्यता है जिसमें कठिनाई, जटिलता, अमूर्तता, सामाजिक मूल्य, मितव्ययिता, अनुकूलता तथा लक्ष्य प्राप्ति की चेष्टा को लेकर अनुकूलतम परिवेश निर्धारित किए जाते हैं। टर्मन के अनुसार जो व्यक्ति जितना अधिक सोच विचार कर सकता है वह उतनी ही अधिक बुद्धि रखता है। मैंने आपको ये एग्जाम्पल भी दे दिया था। नेक्स्ट, कोल्हर के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जिसके सहारे सूझ यानी कि सही विचार आ जाते हैं। वुडवर्थ के अनुसार किसी भी कार्य को अकलमंदी से करना, समझदारी से तथा विवेक से करना ही क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। बर्ट के अनुसार बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता होती है। नेक्स्ट, टर्मन के अनुसार अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। सीखने की शक्ति ही क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति होती है। गाल्टन के अगर डेफिनेशन पे जाएं तो पहचानने और सीखने की जो शक्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट, क्रूज के अनुसार
बुद्धि नवीन तथा भिन्न परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की क्या होती है? योग्यता होती है। वेस्लर के अनुसार व्यक्ति द्वारा किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने, तर्क करने तथा चिंतन करने के लिए करके अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य एवं अभियोजन का सार्वभौम ही क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। नेक्स्ट, हिलगर्ट के अनुसार बुद्धि वह है जिसको बुद्धि परीक्षण मापते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी जो उनकी बुक थी, उस बुक में उन्होंने इस डेफिनेशन को दिया है, जिसमें उन्होंने बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को डिफाइन किया है। तो इसके अनुसार जो है उन्होंने एक डेफिनेशन दिया बुद्धि का कि बुद्धि वह है जिसको बुद्धि परीक्षण मापते हैं। ये हमने जो है डेफिनेशंस जो है विभिन्न प्रकार के हमारे जो शिक्षा शास्त्री हैं, विभिन्न मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार देखने का प्रयास किया। अब एक साधारण डेफिनेशन बुद्धि के लिए क्या हो सकता है? इन सब डेफिनेशंस को पढ़ करके, इनको समझ करके, इनको कंपाइल करके हम एक आम भाषा में या एक जनरल भाषा में, एक सीधे सामान्य भाषा में हम बुद्धि को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, एक लाइन में हम उसको कैसे लिख सकते हैं, एक एक बार हम वो भी देख लेते हैं। अगर मैं एक साधारण शब्द में कहना चाहूं तो कार्य एवं व्यवहारों को आंकने का माध्यम बुद्धि कहलाता है। अगर हमने जितना भी ऊपर डेफिनेशन देखा, उन डेफिनेशंस के अनुसार एक शब्द में, एक लाइन में अगर हमें डिफाइन करना पड़े, साधारण शब्द में अगर हमें इसे करना पड़े, तो कार्य एवं व्यवहारों को जो हम आंकते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप जो मानव के द्वारा किए जाते हैं, विभिन्न व्यवहार जो उसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, उनका जब हम आकलन करते हैं तो आंकले का जो माध्यम होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं या फिर इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, तो बुद्धि की एक साधारण डेफिनेशन क्या हो गई? कार्य एवं व्यवहार को आंकने का माध्यम क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। अब ये जो कार्य और व्यवहार को मापने का जो आकलन है, जो बुद्धि कहलाता है, ये दो रूपों में हमारे सामने आता है। एक को हम कहते हैं सामान्य बुद्धि और दूसरे को हम बोलते हैं विशेष बुद्धि। सामान्य बुद्धि और विशेष बुद्धि, विभिन्न प्रकार के जो सामान्य परिस्थितियां होती हैं, ठीक है, सामान्य बुद्धि सामान्य परिस्थितियों के लिए, सामान्य परिस्थितियों के लिए और विशेष बुद्धि विशिष्ट परिस्थितियों के लिए। सामान्य बुद्धि और विशेष बुद्धि, ये दो तरीके की बुद्धि जो है वो सामान्यतः देखने को मिलती है, जो हम लोग रूटीन में जो है वो प्रयोग में लेते हैं। किसी भी मानव के अंदर ये दोनों तरीके की बुद्धि जो है वो देखी जाती है, देखी जा सकती है। तो इसके बाद अभी आज जो हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा, सामान्य बुद्धि का एक सामान्य सा अर्थ और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा उसके दी गई परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशंस, ये हमने बखूबी जान लिया। अब आज की कक्षा से जो भी प्रश्न बनेंगे, अगली कक्षा जब मैं लूंगी बुद्धि हमारे टॉपिक के ऊपर ही, अगली क्लास हमारी जब भी होगी, तो जब भी मैं लूंगी
पहले मैं इनके क्वेश्चंस जो आज पढ़ाया इनके क्वेश्चन लूंगी, उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो आपका काम है, देखिए इसमें जितना समझाना था वो मैंने आपको समझाया, जितना समझा सकती थी वो मैंने आपको समझाया। अब ये जो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस आपको याद हो जाने चाहिए, आपको इनको याद करना होगा। अब इनमें बहुत सारे डेफिनेशंस हैं जो पढ़ने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, तो एक जैसे लगते हैं तो कई बार याद करने में आपको कठिनाई आ सकती है। इस वजह से जो है मैंने जब आपको ये पढ़ाया है तो पढ़ाते पढ़ाते जो मेन जो हमारे पॉइंट्स हैं, मैंने इसीलिए इसको क्या किया है, अंडरलाइन किया है, हाईलाइट मैंने इसीलिए किया है कि जब आप पढ़ें, जब आप इसको रटें या इसको याद करें, इसको बिल्कुल अपने जहन में इसको बिठाने का प्रयास करें, तो आप इन शब्दों को, यानी कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन मनोवैज्ञानिकों के नाम के साथ ये कुछ शब्द जो मैंने बार बार हाईलाइट किए, अंडरलाइन किए हैं, आप इन शब्दों को भी बिठाने का प्रयास कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कोई भी डेफिनेशन ना तो भूलेंगे और ना ही किसी डेफिनेशन में आपको कंफ्यूजन होगा। और अगर आप इन शब्दों के साथ मनोवैज्ञानिकों को नहीं जोड़ पाएंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। अभी तो मैंने केवल 12 ही डेफिनेशन लिखवाई, और भी डेफिनेशंस हो सकते हैं, तो इतने में ही अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो और डेफिनेशंस को आप कैसे याद करेंगे। तो याद करने का सबसे सीधा सरल तरीका यही है कि आप मनोवैज्ञानिकों के नाम के साथ जो मेन उनके पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइटेड वे में याद करने का प्रयास करें। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको याद कीजिए। अगले कक्षा में फिर से मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।